कांग्रेस उपचुनाव में भले हार गई हो, लेकिन 35 साल पुराना बदला कांग्रेस ने ले लिया है। और 35 साल पुराना बदला कैसे लिया, ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि वो सीट जो बीजेपी का मजबूत किला थी, उस किले को कैसे ढा दिया कांग्रेस ने, क्या वजह थी कि 35 साल तक लगातार जूझने वाली कांग्रेस, ऐसा क्या हुआ कि 2021 तक आते आते, 85 से 2021 तक अब जीत पाई कांग्रेस। तो उसकी कहानी मैं आपको बता दूं, बात कर रहा हूं रैगांव सीट की, जहां 1985 में जीते थे रामाश्रय प्रसाद। उसके बाद कांग्रेस के हाथ से ये सीट ऐसी गई कि 2021 आ गया, कांग्रेस कभी कामयाब नहीं हो पाई। यहां पर 1993 में बीजेपी के जुगल किशोर बागरी, जो दिवंगत विधायक हैं, उन्होंने जैसे ही चुनाव जीतना शुरू किया 93 से, तो 2008 तक आते आते भी जुगल किशोर बागरी ही जीतते रहे। कांग्रेस का कोई अता पता नहीं रहा यहां पर, और कांग्रेस ख्वाब ही देखती रही कि कभी कभी तो ऐसा मौका आएगा कि कांग्रेस जीत पाए। लेकिन ये अंतराल बढ़ता गया। 2013 की बात करें, जुगल किशोर बागरी ने चुनाव नहीं लड़ा, उनके बेटे पुष्पराज बागरी ने चुनाव लड़ा, तब बीएसपी तक जीत गई। कांग्रेस अपना वजूद नहीं दिखा पाई इस सीट पर, बीएसपी जीत गई थी। 2018 में पार्टी को लगा कि भूल हो गई, जुगल किशोर बागरी ही पार्टी के सही कैंडिडेट हैं, टिकट दिया, जीत गए 2018 में जुगल किशोर बागरी। ये बात अलग है कि उनका फिर बाद में निधन हुआ, और निधन के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हुआ रायगांव में। अब कांग्रेस की कहानी समझिए, 35 साल, सोचिए 35 साल तक कांग्रेस जूझती रही, इस बार ऐसा क्या हुआ? दरअसल बीजेपी के मजबूत किले को ढाने के लिए एक रैगांव सीट ऐसी है जहां कांग्रेस के हर दांव काम आ गए, ऐसे दांव काम आ गए कि बीएसपी को मैदान में उतरी नहीं। कांग्रेस ने उसी दिन से रणनीति अपनी मजबूत समझ ली थी कि बीएसपी मैदान में नहीं है। कल्पना वर्मा को ही प्रत्याशी बनाया गया दोबारा, कल्पना वर्मा पर भरोसा जताया, और यही वजह 12,500 से ज्यादा वोटों से कल्पना वर्मा ने प्रतिमा बागरी को हरा दिया। कांग्रेस को यह भी समझ में आ गई रणनीति कि बीजेपी ने नए चेहरे को टिकट दिया है, तो इस नए चेहरे का लाभ कांग्रेस उठाएगी पुराने होने की तरीके से। और यही वजह है कि सवर्ण वोटर से लेकर दलित वोटर तक कांग्रेस ने हर वोटर पर यहां पर सही रणनीति अपनी बनाते हुए दांव खेला और रैगांव की सीट अपने नाम कर ली। लेकिन 35 साल का अंतराल सोचिए आप कि 35 साल तक कांग्रेस यहां केवल जूझती रही। 2021 में ऐसा चमत्कार हुआ कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस यहां जीत गई, क्योंकि इस बार कहा जाए, कहते हैं ना कि जब कोई दांव चला जाए और हर दांव आपका सही चल जाए, तो वो स्थिति रैगांव सीट में कांग्रेस को देखने को मिली। कैंडिडेट के चयन से लेकर और तमाम रणनीति के तौर पर कांग्रेस जिस तरीके से यहां अंतर कलह का फायदा उठा गई और स्थानीय मुद्दों को उठा गई, तो कांग्रेस ने 35 साल पुराना बदला ले लिया और बीजेपी का किला ढहा दिया। सतना से आप तक एक खबर पहुंचाइए, हमारे संवाददाता योगी तारण है, आप देखते रहें।